इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है, इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है। ढाई अक्षर प्रेम का महाभाष्य है, संवाद है। और है सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था, तो प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है। यथार्थ इश्क जो है शत्रुघ्न जी सुनिएगा, और ये शिव शंकर मिश्र जी है ना सर, आप जो कल शेर सुना रहे थे, हाय 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 हाय, आप जो शेर सुना रहे थे मतलब क्या बताएं, उतना बढ़िया शेर तो ट्रकों पे भी नहीं लिखा जाता है। और हम इतने आनंदित हो रहे थे, उस तरह का शेर सुनिए कि जनवरी में आ गया 2 जून उसे मालूम है, जनवरी में आ गया 2 जून उसे मालूम है, गेहूं के संग पिस रहा है घुन उसे मालूम है। जनवरी में आ गया 2 जून उसे मालूम है, गेहूं के संग पिस रहा है घुन उसे मालूम। प्याज छिलते दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, छिल रहा हूं बैठ के लहसुन उसे मालूम। वाह। और ये तुम जो कह रहे थे ना, बस वही सुना रहे हैं। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा, इससे ज्यादा बड़ा आशीर्वाद आपको कोई दे ही नहीं सकता। प्रशांत बजरंगी सुनो, स्वागत भी। किसी भी स्थिति में क्रोधित ना हो, क्रोध व्यक्ति का शत्रु है। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा, वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा, वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा। वाह। और देश के सेंसेक्स जीडीपी में आएगा उछाल, हिंद के नक्शे में पाकिस्तान वापस आएगा। प्यार में जो लोग धोखा खाए हैं, हमने इतने अच्छे अच्छे छंद लिखे कोई नहीं पूछा, लेकिन प्यार में धोखा खाए उनको बता रहे हैं कि पार्षद है बेवफा, पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, इसने किया दगा तो किसी और पे मरो। पार्षद है, पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, इसने किया दगा तो किसी और पे मरो, और दिल्ली है बहुत दूर तो अफसोस मत करो, मेरी सलाह मान लो इंदौर पे मरो। वाह। अगर है कि प्रेमिका के साथ क्या करना चाहिए, प्रेमिका के हाँ में हरदम हाँ मिलाना चाहिए। आदरणीय रंजीत सर, जरा जोरदार तालियां हो जा। सर वैसे एक मुक्तक इसमें ऐसे, हमने प्रेमिका पुराण लिखा तो उसमें एक मुक्तक ऐसे है कि सर मैं वो आपको समर्पित नहीं कर सकता, लेकिन आप सुनिए कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ है, जलवा कि 24 घंटे आप सर रंजीत सर के लिए मैं आपको समर्पित नहीं कर रहा हूं। आप ये शेर सुनिए, ये इतना खतरनाक है कि कोई व्यक्ति किसी को समर्पित नहीं कर सकता कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ है, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है। बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है। प्यार करके प्रेमिका को भूल जाना त्याग है। आहा। प्यार करके प्रेमिका को भूल जाना त्याग है। प्रेमिका से ब्याह जो करता है वो बेवकूफ है। प्रेमिका डॉक्टर हो तो MR खुद को मानकर, नया प्रयोग है सर, प्रेमिका डॉक्टर हो तो MR खुद को मानकर एक तक उसकी तरफ खामोश होके देखिए। प्रेमिका डॉक्टर हो तो MR खुद को मानकर एक तक उसकी तरफ खामोश होकर देखिए।
मत भरे नैनों से जब टपकाए एनेस्थीसिया, प्रेम का डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मान कर एक टक उसके तरफ मधो एक टक उसके तरफ खामोश होकर देखिए। मत भरे नैनों से जब टपकाए एनेस्थीसिया, नब्ज जब पकड़े तो फिर बेहोश होकर देखिए। और जो चुपके चुपके चोरी चोरी ये बच्ची कह रही थी कि और आप उछल के ताली बजा रहे थे, कुछ 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 दिमाग रखो यार। लड़की कह रही है डोली संग जाऊं ना कहां और संग जाऊंगी, किसके साथ जाएगी तू? कोई भी लड़की किसके साथ जाती है? डोली के साथ जाएगी, कहां के साथ जाएगी? कह रही डोली संग जाऊंगी, हम पता लगाए कि आखिर किसके साथ जाए। तो इसके इसके गांव के बगल में एक परदेसिया था, वो नेपाली है, वो जो है वो गांव का वो रक्षक है, चौकीदार है। वो रात भर कहता है जागते रहो साहब जी, जागते रहो साहब जी। वो इसी परदेसिया की बात कर रही थी, परदेसिया उस नेपाली की बात है, और तुम समझ रहे थे कि तुम्हारी बात कर रही है। कोई लड़की क्यों नहीं जाएगी, कैसे इस करना चाहिए? अब आप बीच में ना बोलिए कि दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, लाठी लिए अड़ जाइए लठैत की तरह। और संभावना हो दिल के साथ देह टूटेगी तो बिल बिला के रोइए डकैत की तरह। क्या बात है, शानदार। अब रहने दीजिए, बहुत लंबा। नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया। अब नहीं, उतना सुनाने का टाइम नहीं बेटा। गुरुजी नहीं कुछ कहेंगे ना, ये गुप्ता जी थे। अरे बाप रे, ऐसा ना किया कीजिए आप लोग। ये गुप्ता जी से, गुरुजी ये गुप्ता जी मतलब ये भी इश्क मोहब्बत सुना रहे थे यहाँ खड़ा होकर के। आदमी मतलब उच्चता की तो पराकाष्ठा है, लेकिन आदमी अच्छा पत्नी के सामने बोल रहे, हम नहीं बोल पाते। हमने कहा कि चलो आज हमारे हॉस्टल में कभी सम्मेलन कहीं जाइए, क्या मतलब आप एक ही मुंह देखते देखते पत्नियां त्रस्त हो जाती हैं। और लेकिन गुप्ता जी जिस तरह से भाभी जी के सामने सुना रहे थे कि प्रेमिका पुराण, कि प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, असली आशिक निकलेंगे बस उसी के खानदान से। दस कुमारों में इसे छपवा के जो भी बांटेगा प्रेमिका उसको मिलेगी आके पाकिस्तान से, आके पाकिस्तान से। और वो मैं एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ, आप माफ करना यार, टाइम टू चला। अब ये भैया गुरु, हाँ आप देखिए अपने गा के कान में कह गए कि अब 11 बजे खत्म करो, तुम्हारे गुरुजी तुम्ही को डॉक्टर हैं जल्दी खत्म करो। अब वहां से अपने कह रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। अच्छा तो सुनिए फिर सुनाते हैं हमको क्या। गुरुजी का आदेश मेरा वहां से पढ़ने के लिए, आदरणीय गुरुजी बोल रहा है नया नया टीवी अखबार कि मेरे खानदान के वो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। कि और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। मंगलम मरणम यत्र, हमारे शास्त्रों में कहा गया है मृत्यु जहाँ सत्य है, मंगलम मरणम यत्र, मृत्यु से एक हास्य उत्पन्न करने की कोशिश करता हूँ। हम मरने की बात करेंगे आपको आनंद आएगा। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी,
कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया। बाबा आप आनंद लीजिएगा शब्दों का, जैसे ये लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, इसको सोफे पे बैठना बोलते हैं, आप जैसे बैठे हैं इसको पसरना बोलते हैं, ये तरीका बैठने और पसरने में अंतर है। और आज जितने प्रफुल्लित मैं मुद्रा में सुन रहे हैं, आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपको सुना के कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी, कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी, कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी, ई टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। वाह जय हो भैया, तेजाब फेंकने लगा सर, आप फेंकने अभी अब हमने देखिए, अब हमारा कोई दोस्त नहीं है, ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगे। हमारे भैया बहुत सीनियर हैं, इन्हें बहुत बड़ी रकम हमारे जेब में डाली है, इसको देख करके यदि प्रशासनिक संरक्षक जी को थोड़ी सी भी शर्म आ रही हो तो आप भी मित्रता के नाते अपने जेब में हाथ डाल करके अपने एक माह के तनख्वाह में से कुछ इधर सरका सकते हैं, ईश्वर ने चाहा तो आपका भी भला ही होगा। आप वचन सुनिए, हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए, हमेशा सही सोच रखिए। मैं 11 बार दुबई गया हूँ, इस बार 11वीं बार। मैं मंच से झूठ नहीं बोलता, व्यक्तिगत जीवन में कभी झूठ नहीं बोला मैंने, और मैं कोई किसी की कसम वसम नहीं, ये सत्य है। मैं झूठ, एक से एक साहब खड़े हुए, कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए, हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए, हम कहें कि शराब में नशा है तो कहेगा तुमको कैसे पता है, अच्छा ना सुनाए तो पूरा काव्यत्व धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया और आप सबको बता रहा हूं, सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। जब भी व्यक्ति की दृष्टि बदलती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी अपनी दृष्टि मत बदलिए, हमारे दृष्टि में हो सकता है नाली खराब है लेकिन सुअर की दृष्टि में बहुत अच्छा है। हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए। मुझे अमेरिका जाने के लिए 2 बार वीजा नहीं मिला, वो जो काउंसलर मैम थी उसने कहा डॉक्टर चौबी योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। रिंटू भैया मेरे समझ में नहीं आया और पासपोर्ट मुझे पकड़ा दिया। हम समझे कि हो सकता है अमेरिका का वीजा इसी तरह से मिलता हो तो हम पासपोर्ट रखे, हम मुस्कुरा के वहां से सीना चौड़ा करके चलना शुरू किए। फिर उसको क्रोध आ गया, वो अमेरिका की लेडी थी, उन्हें बोला इधर इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, हम सकारात्मक दृष्टि के चलते हंस रहे हैं, किसमें कौन सी सकारात्मक दृष्टि। एक बार जिसका वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। कभी में तो शेख साहब ने कहा पंडित सुनाइए, और यदि आपने अपने धर्म के हिसाब से सिद्ध कर दिया छंद को तो फिर दुबई आपकी, और जब तक ये मुशायरा तब तक आप। मैं 11वीं बार की अभी यात्रा करके आया हूँ और ये छंद सुन लीजिए आपने। एक से एक पंडित, आप सोचिए संस्कृत का व्यक्ति दूर दूर तक सपने में भी शराब न आनी चाहिए। और अब कविता में लानी है, और तमाम वो समुदाय के लोग बैठे हैं जिनकी आरती बजरंगी उतार रहा था, उनके समय पढ़ना। अब प्रयोग देखिए, आनंद लीजिए। एक सुंदर सी नायिका, श्रृंगार से हास्य कैसे आता है, सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य जग जाता है।
प्रकृति नायिका का अनुगामी हो जाता है। आप हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो एक गोरी जो गोरी थी, गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। ये श्रृंगार है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने, ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। वाह 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 वाह, क्या बात। और ये जो इश्क मोहब्बत पर उछलने वाले मित्रों, अब एक यथार्थ का छंद सुन लो कि मादक नयन दोनों, कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। अभी केवल एक काम करना है, पढ़ना है, अभी कुछ नहीं करना है। ये सब भटकाव की बातें हैं, ये कोई इश्क मोहब्बत कोई काम है नहीं, पढ़ना काम है। तो अभी अभी केवल ये अपना सुशांत जी कह रहे पढ़ने के नाम पे महादेव ये अद्भुत काम है भैया, पढ़ने के नाम पे। लेकिन मेरा कहना है वो काम कभी हो सकता है, लेकिन आज जो होने वाला है ये नहीं हो सकता। इसलिए आप पढ़िए, जो इश्क मोहब्बत की बात कर रहे थे उसके लिए आप सुन लीजिए। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। और या धर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगे। कि डिजिटल युग की, डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगे। डिजिटल युग की प्रेमिका है जो बस, कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगे। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी, सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और आठ दस लोगों से तो चैटिंग करेंगी, और कि आठ दस लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगे। क्या बात। अब ये आप लोगों की बातें हो गई। अब एक छोटी सी रचना, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है गंगा दशहरा का। नहीं अब वो नहीं, कुछ नहीं, अब जाने दो सर, सर हमारे समार हमारे सर हमारे दोस्त हैं। बस एक छोटी सी रचना आज, हाँ बस समापन जो है अच्छी रचनाओं के साथ होना चाहिए। और ये शताब्दी वर्ष है, भूपेंद्र भी आए, अरविंद भी आए, बाबा विराजमान हैं, हमारे गुरु जी हैं। भैया अब यहाँ उपस्थित सभी नए छात्र नहीं जानते हैं, अनिल चौबे जब यहाँ छात्र थे तो हम अरविंद शुक्ला जी एक साथ छात्र संघ उपाध्यक्ष से मैं महामंत्री, हम लोग बनाने वाले सबसे जुझारू और संघर्ष के साथी अनिल चौबे जी हैं। और आज इनको यहाँ देखकर
मन एकदम हम लोग का प्रफुल्लित है और हम लोग के पितामह बाबा सामने बैठे हैं। अब इससे बड़ा जो है संगम कुछ हो नहीं सकता। अनिल जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कभी आप दुबई गए, दुनिया का हर देश में आप जाए और भारत सिंधु विद्यालय महामना और इस रुइया छात्रावास का नाम आप आगे बढ़ाए। और सुशील गुप्ता जी के बारे में आपने सही बोला। चूंकि शताब्दी वर्ष का ये आयोजन, एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ जिससे हमको बहुत ख्याति मिली। तमाम यूके के 14 शहरों में भारत सरकार के द्वारा भेजा गया। मैं अभी वो उसी रचना के माध्यम से वो हाँ उसी वही सुना दे रहा हूँ। रेल मंत्रालय ने जबरदस्ती जो है सलाहकार समिति में रखा है, तो वो रचना मैं आपको सुनाता हूँ। 11 जनवरी से लेकर के और वो 3 साल का हमारा कार्यकाल है गृह मंत्रालय के द्वारा। अश्विनी वैष्णव जी वाला जो रेल मंत्रालय है उसमें रीता बहुगुड़ा, मैं और मनोज तिवारी 3 लोग हिंदी सलाहकार समिति में। तीसरे नंबर का मैं हूँ जो गैर वहाँ से आते हैं, सांसद नहीं होते, जो अलग जगह से आते हैं। मैं आपको वो रचना सुनाता हूँ, मतलब देश विदेश, विदेश में कहीं भी हमारी सरकार भी गंगा के लिए तमाम योजनाएं लाई, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी स्वच्छ गंगा अभियान लगी हुई है। माँ गंगा पे बहुत सारा चीज लिखा गया है, हमारे पूज्य गुरुवर यहाँ उपस्थित हैं। आज मुझे लगता है पहली बार मंच से गुरु जी के श्री चरणों के समक्ष सुनाने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अपना एक ये श्रेष्ठ और छोटा सा, चूंकि आप सब संस्कृत के विद्वान लोग हैं तो वो रचना यदि मैं आपको न सुनाऊं तो आपको लगेगा कि मतलब अनिल केवल यही लिखते रहते हैं। आपको वो रचना सुनाता हूँ जिससे हमको मुझे बहुत ख्याति मिली और मैं वहां तक गया जहां तक सामान्य कभी नहीं पहुंच पाते, तो वो रचना सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। वहां मुझे लगा कि गंगा पे तो कुछ बचा ही नहीं है जिसको हमारे पहले कवियों ने नहीं लिखा, मैं क्या लिखूं। मैं बहुत दिनों तक माँ गंगा के किनारे टहलता रहा। माँ गंगा यदि अपना दर्द हम जैसे कवियों से कहती तो क्या कहती। ये रचना मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन लीजिएगा, आपके किसी भी ताली की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि ये पंक्ति वास्तव में कोई संस्कृत का व्यक्ति ही लिख सकता है तो आप हमें, आप छोटे हैं लेकिन आप माँ शारदे के उपासक हैं, संस्कृत के हमारे गुरुजन लोग हैं, मुझे आशीर्वाद इसलिए दीजिएगा ताकि इस तरह की रचनाएं माँ सरस्वती हमसे लिखवा ले। सुनिएगा कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कल कल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था, अब मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ, मैं गंगा हूँ। क्या कहने, मैं गंगा। बहुत 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 धन्यवाद आपको। विष्णु के चरण, विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कल कल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था, मैंने सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को निस्वार्थ भाव से तारा था। तब से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ। कि गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, वो क्या ना खींच रहा है माइक, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों,
गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्मे खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है, और तुमने तुमने जगह जगह बात बना के हमारी गति को मोड़ा है, तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आसमान लायक भी नहीं छोड़ा, तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आसमान लायक भी नहीं छोड़ा है। और ये पंक्तियां सुन लीजिएगा, स्वागत ये हमारे अनुज आदरणीय आचार्य शंकर हैं, इनका ज्योतिष जो है मॉरिशस से लेकर के और अमेरिका तक, ये पहला संस्कृत का छात्र जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है, ये हमारे छात्रावास का गौरव है, ये भी हमारे गुरुजी से नाटक सीखा, इसे थोड़े गुरुजी ने जब नाटक का वो प्रशिक्षण दिया था तो ये भी हमारे गुरुजी के शिष्य सामान्य होते नहीं है, मेरे गुरुजी के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, मैं क्या कर रहा था? हाँ, तुमने कहते आचमन लायक भी नहीं छोड़ा, अब पौराणिक मिथकों के आधार पर दो पंक्तियां कहता हूँ, आप सब श्रेष्ठ जन विद्वान लोग हैं, हमारी बात से सहमत हो जाइएगा। ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुमारी कुंती का रहस्य, ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुमारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ, लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कहकर बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ, वो देखो सम्मानित शहर के भाई, वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ेल है। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, अरे अरे पता है हारा, दिव्य हो गया दादा, जय जय। इससे क्या होता है ना, कभी अति समय क्या पड़ा, रैदास की कठौती, रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ, वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ेल है, क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखेल है, कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखेल है, तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे कालिक लगाता है। वाह 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 वाह। और एक तर्क, चूंकि आप सब संस्कृत के विद्वान लोग हैं, अध्येता हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो आपसे प्रमाणित कराता हूं, यशोदा देवकी और यशोदा का मिश्रित दुलार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। वाह, क्या कह, योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार पे मजबूर कर देता है। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है, क्यों रे कवि, तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है, हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है, जो ऋषिकेश प्रयाग हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं, रचनाएं तो बहुत लंबी सुनाते हैं लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं, तू क्या कर लेगा, तू भी ब्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा, तू भी ब्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा, इसलिए तू जाग सबको जगा, मेरे पास वेदना है शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है जानकी नहीं जानवी हूं मैं, मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट
दी गई तो मैं इसमें समा नहीं सकती। मैं जब तारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती। क्या बात, इसी रचनाओं के साथ ये कवि सम्मेलन अपने पूर्णता को प्राप्त होता है।